नमस्कार, संसार क्रांति के खास कार्यक्रम युवा क्रांति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सफीदो विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले गांव जामनी से दिनेश जामनी। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी रहेगी और आने वाला जो चुनाव का जो सुगबुगाहट शुरू हो चुका है उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। दिनेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी। जी दिनेश जी, युवा क्रांति हमारा प्रोग्राम है और युवाओं को यदि हम उसके आंकड़े उठाएं तो 65-67% युवा इस देश में हैं और युवाओं के कंधों पर बहुत कुछ निर्भर होता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है राजनीतिक जो दल हैं वो युवाओं के कंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं को किसी भी राजनीतिक दल को चुनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रही बात यहाँ पे जो युवा हैं, उन्होंने अपना खुद का टाइम या खुद की मेहनत के बदौलत ही कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। आज के टाइम शिक्षा में है, बढ़िया स्कोप है शिक्षा में, बंदे को मेहनत करनी चाहिए। रही बात राजनीतिक पार्टियों की, जहाँ पे बंदे को अपना पूरा मान सम्मान, युवाओं को मान सम्मान मिलता है, रोज़गार मिलता है, उनकी तरफ लगाना चाहिए और ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों में ही सफल या कामयाबी मिल सकती है। आपके सामने और भी मंच थे, भाजपा भी, इनेलो भी, और भी क्षेत्रीय दल हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें क्या विशेषता लगी? और ख़ास करके आप भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कांग्रेस में भी धड़ेबाजी है, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस क्यों पसंद आपको? देखो सर, हम एक किसान से के बेटे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने देखो किसानों के लिए हुड्डा साहब ने जो फसल के रेट भाव, जमीन के भाव लोगों को दिए हैं, हम इसीलिए उनकी नीतियों से हर एक चीज़ में उसमें उन्होंने किसान को किया है, व्यापारी को किया, हर एक को बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया, रोज़गार दिए हैं हर एक फील्ड में। हरियाणा को कम से कम 20 साल आगे, 10 साल के अपने कार्यकाल में 20 साल आगे लेके गए। तो दिनेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता जो जींद है राजनीतिक राजधानी होने के बावजूद भी विकास के मामले में पिछड़ा रहा है, तो उसके कारणों को यदि देखा जाए तो 10 साल हुड्डा साहब के भी रहे हैं, तो क्या उनके समय में डेवलपमेंट को तेज़ नहीं किया जा सकता था? क्यों लगता नहीं कुछ कमी रह गई? सर ऐसा है, हुड्डा साहब ने तो अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन जो यहाँ पर उनके नुमाइंदे बैठे थे उन्होंने अपना सिर्फ तिजोरियाँ भरी हैं। यहाँ पे जींद में वित्त मंत्री होते थे वीरेंद्र सिंह, और भी नेता ऐसे थे जो हमारे जींद जिले को बहुत आगे ले जा सकते थे, कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए काम किए हैं, ना कि जींद के लिए किए हैं। तो कुछ करवा पाए हुड्डा साहब जींद के अंदर? हाँ, हुड्डा साहब ने जो अपने लिए जो किया है, हुड्डा साहब ने रणबीर यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ से हमारे युवा बच्चे रोज़गार ले सकते हैं। हमें पहले बहुत 60-60, 100-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास से पूरा जींद जिले के युवा, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात यहाँ पर स्टेडियम बनाया है, कई करोड़ों की लागत से स्टेडियम बना है, फ्लाई ओवर बने हैं, तो और क्या बाईपास बने हैं, जो आने के बाद जो रोहतक से लेके नरवाना तक बाईपास था, 4-लेन रोड था, वो बीजेपी ने आने के बाद रुकवा दिया गया है सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा दिनेश जी, मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन क्रांति यात्रा चल रही है, 5 चरण उसके पूरे हो चुके हैं, 6ठा चरण पेहवा से शुरू होने जा रहा है, तो जन क्रांति यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या इसमें से कुछ आउटपुट निकल के आएगा, आपको क्या लगता है? ऐसी बात है, हुड्डा साहब जहाँ जहाँ जनक्रांति रथ यात्रा को लेकर जा रहे हैं, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद हुड्डा साहब के साथ है, और जहाँ पर भी जा रहे हैं बढ़ चढ़ कर युवा भाग ले रहे हैं। जहाँ पर लाख थे वहाँ पे 1.25 लाख हैं। आज बढ़ के जो आखिरी जो 5वीं जनक्रांति रथ यात्रा हुई महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर सब रिकॉर्ड टूटे हैं, कम से कम भी 1.5 और 2 लाख के बीच लोग वहाँ पर हुड्डा साहब को आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो उनके नेतृत्व में कितने विधायक जीत करके आने की संभावना है, उनके खेमे की बात करूं तो मैं? हुड्डा साहब ही कांग्रेस हैं जी, और कांग्रेस ही हुड्डा साहब में लगभग 30 से 35 विधायक हुड्डा साहब अपने दम पर हरियाणा से जीतवा कर लाएंगे जी। और कांग्रेस की झोली में
वोट डालेंगे। आप तो कानून के भी जानकार हैं क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं दिनेश जी, तो सत्ता पक्ष के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो कानून व्यवस्था में कौन सी खामी आ गई है, आपको क्या लगता है, आप अपने जुबानी क्या बताना चाहेंगे? देखो, जो बीजेपी सरकार है अनुभवहीन सरकार है जी। हमारे हरियाणा में डेली के कोई ना कोई कहीं ना कहीं मर्डर है, स्नैचिंग है, या हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, और रही चीज़ें हैं लूटपाट की है, ये आम बातें हो चुकी हैं जिसके पर हमारे खट्टर साहब उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे अच्छा इस्तीफा दे और हुड्डा साहब को अपना दायित्व या रोज अपना साहब के कुछ संभाल दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी हुड्डा साहब को दे। अच्छा, आप कहना चाहते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुशल नेतृत्व के वो हैं, आपके समय में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में पदक लाओ पद पाओ की एक योजना शुरू की गई थी खिलाड़ियों के लिए, और अभी जो ताज़ा मुद्दा चला हुआ है, चाहे बजरंग पूनिया की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष से विचार कर रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हुड्डा साहब की वजह से ही हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडल आए हैं। अगर बंदा हरियाणा का नहीं, चाहे बाहर का था, सुशील कुमार थे, साइना नेहवाल थी, लेकिन उन्होंने जब भी पदक लेके आए हैं तो हुड्डा साहब की नीतियों की सराहना की है। क्यों? उस टाइम पदक लाओ रोजगार पाओ। बहुत से बंदे हैं जो भी पदक लाए हैं, DSP लगाए हैं हुड्डा साहब ने, बढ़िया उनका मानदेय बढ़ाया गया है, तो हमारे यहाँ पे हर गांव में उनको देखकर हुड्डा साहब की नीतियों से गांव-गांव में, शहर-शहर में, मोहल्ले में सब बच्चों ने अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी। आज वो देख के, खट्टर साहब की ये गलतियाँ देख के, नीतियाँ, गलत नीतियाँ देख के, वो बंदे दोबारा अपनी और किस चीज़ में सफलताएँ देख रहे हैं, खेल की ओर से भाग रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, आप सफीदो विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे में यदि पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाती है तो उसके लिए आप अपने आप को कितना तैयार समझते हैं? देखो, हम एक किसान से के बेटे हैं, हम किसानों की, युवाओं की दुख दर्द को समझते हैं। अगर पार्टी हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो मैं युवाओं के हक के लिए, किसानों के लिए, किसानों के भाव के लिए हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा और बढ़ चढ़ कर हर एक चीज़ में उनके समाधान के लिए खड़ा रहूँगा। जी, आपने कहा हर समस्या के समाधान के लिए आप डटकर खड़े रहेंगे, लेकिन किसी भी नेता के लिए अपने इलाके की कमियों के बारे में पता होना चाहिए, क्या कमियाँ हैं, और उनको दूर करने के तरीके भी उनके पास होने चाहिए। तो यदि मैं समस्याओं की बात करूँ, सफीदो विधानसभा की सबसे मेजर प्रॉब्लम आपकी नोटिस में कौन कौन सी आ रही है इस समय? एक तो यहाँ पे कोई बढ़िया खेल स्टेडियम नहीं है जिससे हमारे बच्चे खेल सकें, ना शिक्षा का कोई हब है, क्योंकि हम तो चाहते हैं, यहाँ पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, सारे जगह 25 किलोमीटर है, एक बढ़िया कॉलेज जिसमें हमारी माताएं बहनों को दूर ना जाना पड़े और यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर लें, और एक पिल्लूखेड़ा में राजकीय विद्यालय होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, रोडों की सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, सरकार को एक बार लखाना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। यदि आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता आपको मजबूत करती है, तो क्या जो रोड मैप, जो खाका आपके पास तैयार है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल 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 सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इस चीज़ में थोड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी नेता को चुनाव से पहले हम बात करते हैं तो चुनाव के बाद उनकी नीति और नीतियों में अंतर मिलता है, तो थोड़ा खुल करके बताएं। देखो सर, ऐसा है, हमने हुड्डा साहब का कार्यकाल देखा है, जिस भी विधायक ने या किसी भी अपने नुमाइंदे ने, हलके के नुमाइंदे ने बढ़िया अपने हलके की पैरवी की है तो उसके अच्छे काम हुए हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाया है। आप कैथल को देख सकते हैं, नुमाइंदा थे वहाँ पे अच्छे थे, आप रोहतक के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप रोहतक के सभी हलकों में देख सकते हैं काम हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यक्तित्व था, बंदा खड़ा था, हुड्डा साहब ने अपने खुद की हलके के लिए, अपने ज़िले अपने तीन थे वो चार थे, सभी के लिए अच्छा काम किया। जहाँ पर रही बात होडल है, पलवल है, फरीदाबाद है, सब में अच्छे काम हुए हैं, वहाँ के नुमाइंदे अच्छे थे तो काम अच्छे हुए। दिनेश जी, आखिरी सवाल, आप एक युवा हैं और युवा मतदाता जो है, युवाओं की जो मतदान के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है आगामी चुनाव में, तो ऐसे में मतदान करने से पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए आप? युवाओं कैसा है जी सर, आपने देखा होगा 10 साल के राज में बहुत से रोज़गार मिले हैं, बहुत से कॉलेज खुले हैं, बच्चों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था,
लेकिन इसलिए एक सबसे मेन बात है हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो हम युवाओं को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। हम कहीं पर भी मिलते हैं तो कोई भी युवा कहीं पर भी कोई समस्या हो तो वो हर समय राज में भी और आज भी उसको समस्या को दूर करने के लिए हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं। तो आज हमारे खास कार्यक्रम युवा क्रांति में हमने मिलवाया दिनेश जामनी जो सफीदों विधानसभा से अपनी राजनीतिक तैयारियाँ कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी अपनी पहचान रही है। तो बहुत से खट्टे मीठे तीखे सवालों का इन्होंने सामना किया। अगली बार हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। सफीदों विधानसभा से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।